ना आवाज आपकी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो इसमें सुनाई नहीं देता। चलो बोलो। अभी कौन से गांव में है वो? गांव कौन सा है वो देखना चाहिए। आसमान में बादल अगर आ गए तो सामता उसमें रहती है और सूजन जल्दी कम नहीं होती। प्रेगनेंसी है ना? नहीं। हाँ, और अधोगुरु तो औरतों के शरीर में ज़्यादा रहता है, इसलिए घुटनों की सूजन ये देर से कम हो जाती है। फिर भी रात को सोते वक्त पाँव अगर लेग इलिवेशन रख देते तो ये सुविधा हो जाती है कि सूजन कम आ जाए। फिर भी अगर सिराज ग्रंथि रहे तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मुख में तिल तेल का गंडूष अगर रख दिया जाए, तेल पकड़ा जाए तो वो सिराज ग्रंथि भी कम आ सकती है, उससे सूजन कम आ सकती है। सूजन है उसका मतलब ये है कि कफ का अनुबंध है। तो ग्रंथों में जो वात कफज वात रक्त की या कफज वात रक्त की या कफ वात वात रक्त की जो ट्रीटमेंट रहेगी वो करना ज़रूरी है। उसके लिए अलग अलग कल्प दे दिए, कौन सा इस्तेमाल करना है वो आपको तय करना होगा। फिर भी संग्रह ग्रंथों जो रहते हैं रसतंत्र सार वगैरह, तो उसमें से जो दवाएं वात रक्त की दी गई है इन तरीकों के लिए वो इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके साथ साथ विदाह कम करने वाली चीज़ें खाने में होनी चाहिए। तो परहेज जो बताते हैं वात रक्त का जो परहेज भैषज रत्नावली में बताया गया है या चरक चिकित्सा स्थान में जो बताया गया है या वाग्भट जी ने जो बताया है वो व्यंजन खाने के जो है तैयार करके उन लोगों को देने चाहिए। बहुत सारी बार दांत खराब रहे तो उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द रहता है, तो दांतों की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सरक्त मेद यूजुअली खराब हो जाता है, तो रक्त और मेद के स्रोत के दृष्टि के जो लक्षण हैं वो आते नहीं है ना उनके खाने में, वो देखना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग आपका होना चाहिए। एक ही निर्देश करके कोई दवा हम ऐसी बता नहीं देते। फिर भी पुनना सौ कोकिलाक्षादि कषाय नवायस लोह या पुनना मंडूर ये इस्तेमाल करके सूजन और कम हो सकती है। शोथग्नगण जो चरक जी ने बताया उसमें उन्होंने पुनना को पकड़ा ही नहीं है। पुनना का पर्यायी शब्द शोथग्नि है, फिर भी वो नहीं पकड़ा है क्योंकि एक ही दिन के बाद पुनना फिर से सूजन वैसी की वैसी तैयार हो जाती है, तो उसका वो अव्यभिचारी काम नहीं है। इसलिए दशमूल का जिक्र किया है शोथग्न चीज़ों में, तो दशमूल इन एंड आउट उस पेशेंट को इस्तेमाल करके देख लेना। स्पेशली गोक्षुर कंटकारी और भ्रूति, तो उससे पथरी भी है ना उसको, नहीं ना? अगर पथरी रहे तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वैद्य वीरेंद्र नाथ का एक सवाल है सर, एंजाइना के केस में विषम योग जैसे श्रृंग रसम यूज करते हैं तो इसका सम्राटी कैसे बनती है और 80-90% ऑफ ब्लॉकेज है, पेशेंट का एज 75 उसको अधो रक्त पित्त भी रहा है, तो इसमें श्रृंग योग हम यूज कर सकते हैं। पहली बात ऐसी है कि करोनरी आर्टरी में कितना ब्लॉक है क्या है उसका आप सोचो मत, आप उम्र का सोचो। 50+ एज जब हो जाता है ना तो यूजुअली हार्ट में कोई अगर वैस्कुलर डिसीज रहे ना तो एकदम आदमी मर गया ऐसा ज़्यादा होता नहीं। कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हार्ट फेलियर हो गया है तो बात अलग है, लेकिन हृदय सिरा मर्म है तो उसमें बहुत सारी सिराएँ रहती है और एक जगह की सिरा जो है वो अगर बंद हो गई तो दूसरी जगह की हम खुलवा सकते हैं। सिरा किससे बनती है? तो रक्त से बनती है और मेद से बनती है। तो रक्त पाचक और मेदो पाचक पहले आप शुरू कर दें। पटोल सारिवा मुस्ता पाठाकर रोहिणी और किरातिकाम्रता चंदनम विश्ववैशम ये देना चाहिए। श्रृंग जो है वो अभी बैन है ऐसा बताया जाता है, लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वहाँ आप अप्रोच करके दवा के हिसाब से उनको एप्लीकेशन वगैरह देके वो मंगवा सकते हैं, तो आपको उसके यहाँ से वो मिल सकता है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
शुरुंग भस्म इस्तेमाल करना अलग बात है, शुरुंग इस्तेमाल करना अलग बात है। तो शुरुंग जो रहता है वो क्या है, बारह सिंगे का सिंग है, उसमें पार्थिव तो ज़्यादा है। हृदय का अस्थि धातु जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो उसकी धड़कन अच्छी हो जाएगी, हृदय देहराकाश में उत्पन्न हो जाता है और अंदर से हॉलो है। तो आपको हृदय की भित्तिकाएं अगर अच्छी करनी है तो मांसपाचक, मेदोपाचक, रसपाचक, रक्तपाचक इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका अस्थि धातु अगर अच्छा करना है तो श्रृंग ज़्यादा फायदा करता है। श्रृंग काटने के बाद अंदर से पोरस है तो उसमें आकाश भी है, वायु और आकाश भी है, उसके साथ पार्थिवत्व है, तो वो घिस कर हम जब पेट में उसका गंध दे देते तो उससे हमारे हृदय में नई रक्तवाहिनी यानी सिराए बन जाती है और हार्ट का जो मसल है उसमें भी अच्छा परिणाम आना शुरू हो जाता है। बारह सिंगा जब दौड़ता रहता है पीछे वाघ लगने की वजह से तो उसका हार्ट का रेट जो है वो 280 तक हो जाता है, और जब वो बच जाता है तो एक मिनट में फिर से उसके हार्ट के बीट जो है वो 80 तक नॉर्मल आ जाते हैं। इतना बारह सिंगे का या हिरण का हृदय जो है वो सक्षम रहता है। तो वही ग्रंथकारों ने क्या किया है, उसका गुण जो है वो हड्डियों में हो सकता है, खुरों में हो सकता है यानी नाखून में हिरण के, या सिंह में हो सकता है। तो सिंह गल के पड़ जाते हैं तो उसमें पशु हत्या भी नहीं है, इसलिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे वाला सिंह जो ये जो खुर उसका रहता है, शफ जिसको बोलते हैं, उसमें आकाश रहता नहीं, उसको नख बोलते हैं, ख यानी आकाश नहीं है उसको नख बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। और हड्डी के लिए आपको उसको काटना चाहिए, तो ये बेटर है कि आप उसका सिंग जो है वो इस्तेमाल करें। तो वो दूध में घिस कर अगर आप लेते हैं पेट में, हर सुबह को लेना है, रोज़ थोड़ा सा चलना है, और चलने का जो टाइमिंग है वो और डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, तो आपके हृदय को ताकत मिलती जाएगी। आज तो एक समझो आधा किलोमीटर चल गए, बाद में उसमें थोड़ा सा बढ़ा दो और थोड़ा बढ़ाते जाना, और सुबह को वो गंध जो है वो पेट में लेना चाहिए एक चम्मच। और वो दूध के साथ लिया जाए तो रस धातु के ऊपर दूध जाता है, आजन्म साथ में है, मधुर रसात्मक है, हृदय के लिए फ़ायदा करने वाला है, शुक्र को बढ़ाने वाला है, तो उसकी वजह से हृदय की ताकत बढ़ती जाएगी। तो 21-21 के तीन कोर्स अगर कर दिया और 7-7 दिन के बीच में गैप कर दी जाए तो हृदय की नसें जो है वो वैस्कुलर और वॉल्यूलर जो डिसीज है वो कम होना शुरू हो जाते हैं सिंह की वजह से। समझो किसी को मधुमेह है तो उसकी नसें तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, प्लक्ष नाम की जो वनस्पति है ऐसी घीस कर इस्तेमाल करनी है। उसमें प्लक्ष श्रृंग प्लक्ष, 21 दिन प्लक्ष, 21 दिन श्रृंग, 21 दिन प्लक्ष, ऐसा आप कर सकते हैं। तो नई हृदय की नसें खुलना शुरू हो जाता है, दम लगना कमी हो जाता है। तो ये ब्रह्मचर्य के पालन के साथ ये प्रयोग आप करके देख लेना तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा। प्लक्ष वनस्पति रक्तपित्तघ्न भी है, इसलिए आप रक्तपित्त के पेशेंट को चाहे वो ऊर्ध्व रहे या अधो रहे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप रक्तपित्त की जो ट्रीटमेंट है, वमन देना या लघु वमन देना या बाकी की लंघन वगैरह वो भी दे सकते हैं, तो हृदय के नसों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वॉल के जब प्रॉब्लम ज़्यादा रहते तो रात को सोते वक्त आप एरंड पाक नाम की दवा देते जाना, तो वॉल अच्छे होने के लिए वो फ़ायदा करता है, या एरंडी का तेल रासना सप्तक काढ़े के साथ दे दो। अनाज चक्र जो है विष्णु जी का है, उसका कंट्रोल फेफड़ों के ऊपर और हृदय के ऊपर होता है, तो उसको लगाने के लिए निशा और मरीच यानी हल्दी और मरीच का ले पीठ को आप लगाते जाना अनाज चक्र को, तो हार्ट का बीट जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है और वैस्कुलर और वॉल्यूलर प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाता है। मुँह में तिल का तेल का गंडूस अगर करते तो कार्डियोमेगेली जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जहर मोरा पिष्टी जैसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिकार्डाइटिस रहे हृदय के आवरण में अगर पानी भर गया है तो रत्नाकर रस या चिंतामणि रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे शरीर को लगाने के लिए फ्लेक्स ऑयल यानी रक्त तेल जिसको बोलते हैं अलसी का तेल, वो ज़्यादा काम में लाना चाहिए आपको। और कभी भी फेफड़ों की बीमारी रहे, हृदय की रहे या आंतों की बीमारी रहे, पेट की बीमारी रहे, तो एक बार का खाना बंद करना है, स्किप करना है, शाम का खाना नहीं खाना है, या भुना हुआ खा सकते हैं और दोपहर को खाना खा सकते हैं। पानी गर्म लेना है तो ये हार्ट के प्रॉब्लम जो है वो कम आना शुरू हो जाता है। इस हिसाब से 3-4 महीना ट्रीटमेंट करते हैं तो रस, रक्त और मांस तीनों अच्छे हो जाते हैं हार्ट के, और यूजुअली वॉल के प्रॉब्लम और उसके साथ जुड़े हुए
खून की नसों के प्रॉब्लम वो कम हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं बताता है कि लोगों को स्टेंट डालना है या बाईपास करनी है, इससे कई गुना अच्छा ये है कि धीरे धीरे हार्ट को थोड़ा थोड़ा तकलीफ अगर होती रहे ना, और हार्ट को थोड़ा सा थोड़ा प्रॉब्लम इश्मिया का आता है, तो ये अच्छी बात है, शरीर उसको रिएक्ट हो जाता है और वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा हार्ट को कुछ प्रॉब्लम आता है तो एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। ब्रेन उसके साथ आप अच्छा करो, किडनी के लिए आप प्रोटेक्शन दे दो, त्रिमर्मी अध्याय में दवाई मिलती जाएगी, तो आपका हार्ट जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो जितना चेस्ट में थोड़ा थोड़ा पेन बनता रहता है, इस दवा इस्तेमाल करने से धीरे धीरे कम होता है ना, उतना वो अच्छा रहेगा। तो हार्ट रीफॉर्म होना शुरू हो जाता है ट्रीटमेंट से, और धीरे धीरे लक्षण भी कम आना शुरू हो जाता है। चलने का व्यायाम सबसे अच्छा है, तो आप चलते रहे, जितना आप ज़्यादा चलते रहेंगे, शाम का खाना बंद करते रहेंगे, ब्रेन किडनी और हार्ट आपके अच्छे रहेंगे। इसलिए त्रिमर्मी और त्रिमर्मी सिद्धि अध्याय आप पढ़ के ले लें, और जो अभी चीज़ें हमने बताई वो इस्तेमाल करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आयुर्वेद का पोटेंशियल क्या है। इसके साथ आप वेट कम कर दो, तेल का खाना कम कर दो, घी असली घी अच्छी तरह से लेते जाना, पेट बीच बीच में साफ करते जाना, है ना, ये अगर चीज़ें आप करते रहे, प्राणायाम करते जाना, कपालभाति अनुलोम विलोम का फायदा होता है। चेस्ट के यहाँ स्तन मूल स्तन रोहित मर्मा है, उसको इन दो उंगलियों से दबाव देने से क्या हो जाएगा, आपका हार्ट का फंक्शन और अच्छी तरह से सुधरना शुरू हो जाएगा, इजैकुलेशन फैक्टर्स इससे बढ़ जाएगी। बला का मूल जो है वो भी ऐसा ही असर देता है जैसा प्लक्ष का और बारासिंगे का ये देता है, सिंह देता है वैसा। आपको फिर भी पुराने ज़माने के जो घर रहते हैं, हवेलियाँ रहती है, वहाँ हिरन के जो ये रहते ना सिर लगाए हुए रहते हैं, तो ऐसे जो लोग आपके रिश्तेदार वगैरह रहे उनके पास जाके इतने दिन सिर्फ ये पड़ा रहा है अभी हमें, उसमें से एक जरा दे दो, ऐसा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खोजनी होगी, और कोशिश करने से सब भगवान भी मिलते हैं, तो बारह सिंह का सिंह क्यों नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आपको ज़रा कोशिश करनी चाहिए, बैठकर कुछ नहीं मिलता है ना, ये करो ज़रा आप चीज़ें। उम्र कितनी है अभी? 11 इयर्स। फीमेल पेशेंट। तो अभी उनको स्ट्रेस से स्क्विंट बढ़ता है दोनों आईज में, और चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है, इसका विचार कैसे? इतने बच्चों को बाय बर्थ क्यों लगा ये देखना चाहिए, पहले स्टीरॉयड वगैरह लेते थे या बड़ी बीमारी के लिए मम्मी कुछ लेती थी वो पहले देखना चाहिए। अभी आई बॉल जो रहता है वो कैसा बदल सकता है उसके हिसाब से स्क्विंट का सोचना चाहिए। आई बॉल लंबा चौड़ा हो जाना इसके हिसाब से नंबर लगते हैं, और उसके जो आई बॉल के जो मसल्स है वो लेजी हो गए तो स्क्विंट आ जाता है। हमारे हिसाब से अभी क्या देखना चाहिए कि आँखों का नंबर लग जाना ये कहाँ आ जाता है आयुर्वेद में, किमिर रोग अध्याय में आ जाता है। तो नज़दीकी अच्छा दिखना, दूर का दिखाई नहीं देना वगैरह सब कॉम्बिनेशन जो है ना वो किमिर रोग अध्याय में पूर्व अवस्था में आ गए। तो आँखों की जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो सिर्फ अंजन ही बताते हैं हमारे लोग, ऐसा क्यों होता है, तो उनको पता है कि गृहिणी रोग अध्याय इस वैद्य ने पढ़ा है, तो आपको गृहिणी रोग अध्याय की ट्रीटमेंट करते करते तीव्र रोग की ट्रीटमेंट अगर आप करते तो ये पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। तो आपको उस बच्ची का स्ट्रेस टेंशन की वजह से बढ़ता है जो लगता है वो वात की वृद्धि से, काम अशोक भयादवायु क्रोधात पित्तम त्रयमला ऐसा बताए, तो उसका भय नष्ट कर दो तुम, ऐसा आप बोल नहीं सकते, उसका भीरुत्व जो है वो नष्ट करना चाहिए। तो शतावरी जो है उसको धीरा ऐसा पर्यायी शब्द आ गया है, भूई कोहरे को भी आ गया है, तो भूई कोहरा और शतावरी दोनों में से शतावरी जो है वो नेत्र है, तो शतावरी तल को पेट में देना चाहिए, पटोलादि चूर्ण किरातादि चूर्ण जो गृहिणी रोग अध्याय के वो इस्तेमाल करने चाहिए। ये वात की बीमारी लगती है लेकिन बच्ची को हो गई है तो आप उसके साथ घी या तेल इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आँखों को पामिंग करना, बाहर से आईबॉल को एक्सरसाइज करना ये इसके लिए फ़ायदा करता है। सविरंजन या दारू हल्दी का खता जो है वो आँख में डालकर भी ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन ये बच्ची है तो आप उसके लिए क्या करें, रस हृदय पोटली जो है ना, त्रिफला मार्को यानी भृंगराज, लोहे का अच्छा भस्म और सहस्रपुटी अभ्रक भस्म,
ये कॉम्बिनेशन उसको लगातार अगर देते गए सुबह को तिमिर घृत के साथ और रात को गाजर के साथ, तो धीरे धीरे उसकी स्क्विंट कम आ जाएगी। एक ही आए टेढ़ी हो जाना और वो हिलना, ये क्या है, उसका अपस्मार है, आँखों का अपस्मार बोल सकते हैं। तो अपस्मारों की जो दवा है वातज अपस्मार की, पित्तज अपस्मार की, उसकी प्रकृति के हिसाब से आप दोपहर रात को दे सकते हैं, तो आँखों की जो स्क्विंट है वो धीरे धीरे कम आ सकती है। उम्र जैसी बढ़ती जाएगी वैसा ये प्रॉब्लम जो है ना वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है, आप इससे मदद कर सकते हैं। गाजर जो आप खाते हैं वो शाम को 7 के बाद अगर खाते तो आँखों की तरफ उसका काम होता है। अभी देखो कि भुग्न नेत्र सन्निपात नाम का सन्निपात बताया, तो उसमें सब मैलिग्नेंट सिचुएशन रहती है बुखार की, और नेत्र जो है वो टेढ़ा हो जाता है उसमें, तो टेढ़ा नेत्र उसको है फिर भी बुखार नहीं है, लेकिन टेढ़े नेत्र के सन्निपात की जो दवा है वो आँखों के ऊपर पक्का जाने वाली है। तो आप भुग्न नेत्र सन्निपात का काढ़ा घी डालकर या तेल डालकर वगैरह दे सकते हैं, उससे भी आराम हो सकता है। मैं आपको दिग्दर्शन कर रहा है, सिर्फ दिशा बता रहा है, यही दवा काम में आ जाएगी और फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी सोच कहाँ तक होनी चाहिए समझने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। तो ये अगर करते गए तो धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन इतने बच्चों में इतने जल्दी करते हैं क्या, करने की ज़रूरत थी क्या, तो हो सकता है कि डॉक्टर के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो चीज़ 50 बरस के बाद आयुर्वेद में बताई गई है, उत्तर उतार वही जिसको बोलते हैं या उत्तर जो एज है उसमें करने के लिए जो बताया, वो आप कब के काल में कर रहे हैं, तो कोई भी आघात हो गया तो वहाँ तरफ की संप्राप्ति हो गई, तो आँखों के ऊपर जो ऑपरेशन हो गया, तेज के ऊपर आपने शस्त्र चलवाया है, शस्त्र तीक्ष्ण उष्ण रहता है, तो उसका असर जो है वो वात रक्त जैसा भी आ जाएगा। तो वात रक्त अध्याय निकालना है आपको, तिमिर रोग अध्याय निकालना है और गृहिणी रोग अध्याय निकालना है, और तीनों में से जो कॉमन द्रव्य आ जाएंगे उसमें से पित्त शमन करने वाले, वात पित्त शमन करने वाले द्रव्य आप उसको इस्तेमाल करो, तो जो ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अभी आँख ये ब्रेन से अलग नहीं है ना, और उसकी उत्पत्ति गृहिणी में है, तो आप मस्तिष्क रोग अध्याय निकाले, चाहे वो भैषज रत्नावली से निकाले या कहीं से, और वहाँ जो दवा आ गई है ब्रेन एट्रोफ के लिए दवा आ गई है, या स्नायु शूलर चूर्ण नाम का चूर्ण आ गया है, वो आप आँखों के लिए इस्तेमाल करें तो स्क्विंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट प्रॉयल उसकी दवा रहेगी और उससे वो आराम हो जाएगी। आप यहाँ देखते हैं बहुत सारे जोर के बाद जिनकी आँखें टेढ़ी हो गई है ऐसे बच्चे इन सब चीज़ों से कैसे अच्छे हो जाते हैं। नीलेश, इनका सवाल है, एक फीमेल ऐसा 36 उनकी हिस्ट्री रही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल पिल्स की पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए, एक डिलीवरी हो चुकी है एंड उसी बच्चे के एल्बो से उनके ब्रेस्ट पे आघात हो गया था, तो अभी हिस्ट्री में उनको बायोप्सी और सीए ब्रेस्ट जैसे डिटेक्ट हुआ है, सर्जरी करके बायोप्सी किया था तो उसमें डिटेक्ट हुआ और अभी कीमोथेरेपी के लिए बता रहा है, इसका विचार संप्राप्ति और ट्रीटमेंट कभी भी आघात हो जाता है ना, तो सार्कोमा जो रहते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को आघात से ही कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये लग जाना, ब्रेस्ट के ऊपर मार लग जाना, ये क्या है, स्तनों का पीड़न हो जाना, ये कैंसर का कारण बताया आयुर्वेद में भी, स्तन तिलक का भी उसमें जिक्र आ गया है। तो गांठ कौन सी भी हो गई और कॉन्ट्रासेप्शन अगर ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ले लिए ना, तो ट्यूबल पेटेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी ये बहुत कॉमन रहती है और उसके साथ मैलिग्नेंसी हो सकती है, वैसा ये इंसिडेंस है, वो कोई इंसिडेंस भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ट्रॉमा इट्सेल्फ इज अ कॉज फॉर मैलिग्नेंसी, ये तो है तय है। तो वात पित्त की संप्राप्ति जब हो जाती है तो ये चीज़ें होना तय है। उस वक्त ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह उसका शुरू था, हाँ, और ये अभी ट्रॉमा अभी हो गया है ना, तो इस उम्र अभी 36 हाँ बराबर है, तो पित्त की उम्र है और उसमें दाह पाक कोत ये लक्षण जो है पित्त के वृद्धि में दिखाई देते हैं, और अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने ले लिए तो संभवतः कभी भी ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी जो है वो कॉमन हो जाती है। इंडिया में ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी सीए सर्विक्स और मुंह का कैंसर ये बहुत ज़्यादा है, और उसका प्रोपोर्शन पुरुषों को 10% और स्त्रियों को 12% है, स्त्रियाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उसमें।
तो ट्रॉमा की वजह से अभी बाकी की ट्रीटमेंट जो रहेगी वो कैंसर के हिसाब से देखी जाएगी, लेकिन वात रक्त के उपद्रव में अर्बुदीय लक्षण आ गया है ये आप ध्यान में रख दो, और कोई भी आघात अगर हो गया तो उसमें वात रक्त की संप्राप्ति हो जाती है स्थानिक, बाद में सार्वधिक हो सकती है, तो ये एकदम अनयूजुअल तो है नहीं ये। इसलिए मार लगने के बाद इमीडिएट इंडिया में लोग पहले क्या करते थे, तेल और हल्दी लगा देते थे, उसमें कड़वा नीम भी डालना चाहिए, तो टिटैनस का इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। टिटैनस जो हो जाता है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनस से हो जाता है, वात के लक्षण आ जाते हैं, तो तेल चाहिए, तेल लगा दिया तिल का या खोबरे का, उसमें हल्दी डाल दी तो क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक एक्शन आ गई, और कड़वा नीम डाला तो ये वायरस जो है ना उसके अगेंस्ट भी उसका काम शुरू हो जाता है। तो किसी को भी कहीं भी मार लग गया तो पहले तेल हल्दी और कड़वा नीम जो है इस्तेमाल करते जाना, तो बाकी की संप्राप्तियाँ आगे बढ़ेगी ही नहीं। बीमारी कौन सी भी जब पुरानी हो जाती है, एक बरस से आगे चली जाती है, तो उसमें वात का आधिक्य आना शुरू हो जाता है, कोई भी बीमारी रहे, और कृमियों का कृमियों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है धातुपाक की वजह से, तो आपको एक बरस के बाद का वात व्याधि जो है उसमें कृमि का सोचना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो रक्तज कृमि तो रहते ही है, पूरी शरीर कृमि भी रहते हैं, तो आपको कृमि की ट्रीटमेंट तो देनी ही चाहिए। ये कुछ भी नहीं है फिर भी लोगों को अच्छा लगने के लिए हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ज्वर की ट्रीटमेंट देते हैं, और ज्वर की ट्रीटमेंट करने से लोगों को बहुत आराम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो स्वेदारो संताप सर्वांग ग्रहणम तथा और मन संताप लक्षण उसका व्याधि प्रतिनियत लक्षण है। तो ज्वर की ट्रीटमेंट करते हुए तो आम पाचन हो जाता है, अग्नि संदूषित हो जाता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, दूसरा मन भी प्रसन्न हो जाता है और लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन तीसरा एक और एंगल है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो मैं आपको बताने वाला है, संभवतः किसी सर ने वगैरह आपको बताया भी होगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं तो कृपा करके सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरायुज अंडज स्वेदज ऐसे अलग अलग योनि से उत्पत्ति बताइए, तो हमारे शरीर में पित्तम टू स्वेद रक्त यो हो ऐसा बताए, पित्त कहाँ रहता है, स्वेद में और रक्त में रहता है, और हमारे शरीर के ऊपर उत्पन्न होने वाले जो माइट्स वगैरह हैं ना कीड़े, वो पसीने से तैयार हो जाते हैं। तो हम कभी ऐसा सोचते कि दोष धातु मलम उलम ये शरीर से, पुरुष का वेग आ गया निकाल दिया, मूत्र का वेग आ गया निकाल दिया, लेकिन पसीना निकाला है और अच्छे हो गए ऐसा कभी कोई करता नहीं, अर्धशक्ति व्यायाम करते थोड़ा सा पसीना आ गया पोछ डाला, लेकिन योग शास्त्र में ऐसा बताया कि पसीना आने के बाद योग से आप शरीर को वो पसीना मलते जाए तो उसका जो योग वायित्व है हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है और आपका शरीर हल्का हो जाता है। अणिमा लघिमा जो सिद्धि है ना वो लघिमा उसमें आ जाती है, रंगली के ऊपर वगैरह वो बैठ सकते हैं, ब्रूसली के वगैरह फोटो वगैरह आपने देखे होंगे, तो इतना शरीर को लघुत्व आ जाता है। इससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप शरीर से गंदा पसीना निकाल देते तो स्वेदज योनि जो है कृमियों की आपके शरीर से निकल जाती है, और आपका शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो मल का इस हिसाब से सोचा है, और उसके लिए कौन सी अच्छी चीज़ है जिसमें स्वेदावरोध है ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट है, और वो है ज्वर, इसलिए ज्वर की ट्रीटमेंट स्वेद की ट्रीटमेंट है, ज्वर की ट्रीटमेंट तो उससे होने वाला जो काम है ना वो अलग है, और इसलिए आज मैं आपको बताता है कि अच्छा लगने के लिए आप दोष धातु मल अच्छे करते ना तो दोषों का आपने सोच लिया, धातुओं का सोच लिया, स्वेद का ज्वर की हिसाब से सोच लो, त्रिभुवन कीर्ति ये अलग दवा हो जाएगी, अभी लक्ष्मीनारायण रस अलग दवा हो जाएगी, महारसना महासुदर्शन काढ़ा अलग दवा हो जाएगी, तो वो कीड़ों की ट्रीटमेंट है, जुए वगैरह हो गए लिखा और हुआ लिखा जिसको बोलते हैं, तो आप इस ज्वर का सोचकर ट्रीटमेंट करें। आप बोलेंगे इसको इतना क्या इम्पोर्टेंट है, तो आज कृपा करके आप क्या करें, सुश्रुत निकाले, सुश्रुत में जो रसायन अध्याय बताया है वो देख ले, तो उसमें रसायन सेवन करने के बाद धूली में लेटने के लिए बताया है, और वो कीड़े जो है आपके शरीर से निकलेंगे और धूली में आपको दिखाई देंगे, तो वो कृमि की ट्रीटमेंट है, स्वेद की ट्रीटमेंट है, इस हिसाब से स्वेद की तरफ आप देखते ना जाना। साइलिंग का क्वेश्चन है, कंपवात में सर्वांग कंप और एकांग कंप, इसके
संप्राप्ति में कोई डिफरेंशिएशन हो सकता है? नहीं, कंप ये कंप है ना, तो कंपवात ये अलग लक्षण बीमारी है, और सिर्फ कंप ये एकांग हो सकता है, सर्वांग हो सकता है, सिर्फ मान को हो सकता है, शिरोकंप ऐसा भी सिम्टम जो है वो इसमें आ सकता है, शिरोरोग में आ सकता है। तो आपको ट्रीटमेंट करते वक्त तो होलिस्टिक अप्रोच आपका होना चाहिए, पूरे वात की ट्रीटमेंट आप करें। राइट हैंड में पहले कंप आ जाता है, बाद में राइट लेग में आता है, बाद में मान में आता है, बाद में लेफ्ट में आता है, लेफ्ट टांग में आता है, और पूरा शरीर हिलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं तांडव वात। तो कंप ये कंप है, ऐसा लिखा है क्या कि ये जो स्नोस व्यास वेद स्वाप्त साधु पोधभेदनम संगांग भंग संकोच वगैरह सब लिखा है, उसमें ऐसा अलग लिखा है क्या उसने हस्त तर्षण, इसका पाद हर्षण वगैरह ऐसा नहीं लिखा है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, वात का प्रकोप की वृद्धि की वजह से अगर होता है तो उसको वात की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। वैद्य विक्रांत इनका सवाल है, 23 इयर्स मेल है, एचएलवी 27 पॉजिटिव आया है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण दिख रहे हैं, पेन एंड स्टिफनेस इन बोल ऑफ द रिब्स, इसका विचार है। उम्र क्या है? 23 इयर्स मेल। बराबर, कैसा है अभी ये आधुनिक शास्त्र के निदान रहते हैं, उसमें जो रिपोर्ट है वो बहुत सारी बार निगेटिव भी हो जाते हैं, बहुत सारी बार सिम्टम्स पूरे चले जाते हैं फिर भी रिपोर्ट वैसा का वैसा रहता है। तो हमें रिपोर्ट देखकर सोचना नहीं है, रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस मेडिको लीगल एस्पेक्ट के हिसाब से रह सकता है, कंपनियों के लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए दोष धातु मल की अवस्था जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कभी रिपोर्ट नॉर्मल रहेगी, कभी अभी देखो आर्य फैक्टर है, तो महाराष्ट्र नदी काटा और महायागराज बुल दे दिया तो आर्य फैक्टर निगेटिव आ जाता है, वो ट्रीटमेंट बन या पेनिसिलिन के इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए तो कम आता है, और वो कई दिन के बाद फिर से वो वापस आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आर ए फैक्टर पॉजिटिव रहता नहीं फिर भी जोड़ों में दर्द रहता है, कभी पॉजिटिव रहता है फिर भी दर्द नहीं रहता, ऐसा हो सकता है। तो आपको ट्रीटमेंट जो है वो रिपोर्ट की नहीं करनी है, आपको दोष धातु मल और अग्नि की ट्रीटमेंट करनी है, ये आप तय कर दो। तो HLA-B27 उसका एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल कोर्स पर वात रक्त जैसे लक्षण दिखते ये बराबर है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है ऐसी कोई बात नहीं। अभी गाउट के लोगों को यूरिक एसिड जो है कई कई लोगों का 4.5 वगैरह भी हो गया तो उनको दर्द होता है, और कई कई लोगों का 9 हो गया तो भी उनको तकलीफ नहीं होती। तो शरीर का टॉलरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको रिपोर्ट अक्सर देखने नहीं है, रिपोर्ट बाद में देखने है, आपका निदान पहले खुद का होना चाहिए। उम्र अभी 23 है और इतनी तकलीफ हो गई है तो उसका खाने का तरीका क्या गलत है वो देखना चाहिए। अभी आज एक लड़का आ गया था 24 वर्ष का, और उसको नेक्रोटिक पैंक्रियाज है, और वो हर रोज 750 ml विस्की वगैरह लेता है, तो इतने कम उम्र में हमें पता भी नहीं था विस्की नाम की कोई चीज़ रहती थी, लेकिन वो अभी उसमें तैर रहा है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्या चल रहा है अभी आजकल के ज़माने में, तो अभी कुछ भी हो सकता है, किसी लोगों को कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वात रक्त की ट्रीटमेंट उसको करनी चाहिए तो तय है, लेकिन इतना बिगड़ा क्यों? शरीर में इतने दोष अगर बढ़ जाते हैं तो चरक जी ने सूत्र स्थान में ही बताया है कि पंचकर्म कब करना चाहिए, तो दोषों का उत्ले ज़्यादा रहे, शरीर के ऊपर फुंसी आती है, मर्मगत बीमारियाँ होना शुरू हो गया है, तो आपको पंचकर्म करना ही होगा। उम्र 24 है तो खाने में अजीनोमोटो जैसे पदार्थ अगर आते हैं, तीखा नमकीन बासी अगर खाता है, खाना खाने के इमीडिएट बाद सो जाता है, खाने के बाद नहाता है वगैरह, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करने वाले लोगों को ये तकलीफ होती है, तो वात रक्त की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी एक चीज़ रहती है, मच्छर ने काटना, कीटक ने काटना, खटमल ने काटना, गोचिड जोर जिसको बोलते हैं ना, ऐसा जोर उत्पन्न हो जाना, टाइफस फीवर हो जाना, इसकी वजह से बहुत सारी बार HLA-B27 जैसे सिम्टम आते हैं, या उसके डैडी को या मम्मी को चूहे ने वगैरह अगर काटा हो तो उसकी वजह से शुक्र धातु उनका खराब हो के उसके बच्चों को HLA-B27 की प्रॉब्लम आ सकती है, जिनके लक्षण मूषक विष दंशजन्य संधिवात के रह सकते हैं। तो उस पेशेंट ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट वात रक्त अध्याय की तो आप करो ही करो, लेकिन पहले आपको सोचना होगा अगध तंत्र का, और अगध तंत्र पढ़ के उसमें जोड़ों के दर्द की जो दवाएँ आ जाएगी
वो इस पेशेंट को देने से फ़ायदा होने की संभावना ज़्यादा है। ये मैं दिग्दर्शन के लिए आपको बोल रहा है, पेशेंट सामने नहीं है और फिर भी इतना बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन जो जो एंगल्स हमने देखे व्यवहार में वो मैं आपको बता रहा है। इसमें वात कफज ज्वर ऐसा भी लक्षण हो सकता है, उसमें परवशूल रहता है तो ये भी हो सकता है। पुनरावर्तक ज्वर, पुराना ज्वर है और वो आधुनिक शास्त्र की दवा लेकर अगर ज्वर को कम कर दिया है तो आगे जाकर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, माउस पेशियों में वो दर्द चला जाता है और माउस पेशियों में अस्थि धातु का विमार्ग गमन हो जाता है। तो विमार्ग गमन की कंसेप्ट भी आप इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। दारू जो है ना उसमें संधिशूल ये लक्षण बताया है, तो अगर कोई ड्रिंक्स लेने वाला बच्चा रहे, बियर वगैरह लेता है, रेड वाइन वगैरह पीता है, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम आना हो सकता है कि संभव है। अजीर्ण अगर रहे, बार बार होने वाला रसशेष अजीर्ण, तो उसकी वजह से भी ऐसी लक्षण आ जाते हैं। तो सोच तो अलग अलग है और उस हिसाब से आपको देखना होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, हिस्ट्री में ऐसा था सर, सतत कास और प्रतिक्षय रहता था। अभी प्रेजेंटिंग कंप्लीट्स में कंप्लेंट में उनको सर्व पर्व संदेश हुआ है, तो इसका इसका भी कारण यही है कि वात कफ ज्वर में लक्षण आ जाता है पर्वशूल और प्रतिक्षय भी हो जाता है, पीनस कास श्वास और पर्वभेद, ऐसे लक्षण बहुत सारे लोगों को देखे जाते हैं। तो उसको दशमूल जो है ना वो वात कफग्न है, तो दशमूलारिष्ट औरत रहे तो खाना खाने के पहले लगातार देते रहना, पुरुष रहे तो सुबह शाम उसको देते जाना, त्रिभुवन कीर्ति भी दे सकते उसके साथ, तो वात कफ ज्वर कम हो जाता है। वात कफ कम कर दिया तो शरीर में प्रतिक्षय पीनस या मुंह में अरुचि रहना, ये सब लक्षण जो है ना वो धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाता है। कैसा है, पहले ना पेट के ऊपर अगर मेद रहे तो मेद कम करने की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आंतों का शैथिल्य जो है ना उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, तेर डायफ्राम में जो कुछ छिद्र है उससे वो अंदर आना शुरू हो जाता है, तो शैथिल्य उसका कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए, खाना जो है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, माफक खाना खाना चाहिए। उसमें कड़वी चीज़ें और तुरट रसात्मक जो चीज़ें रहती है कषाय रसात्मक वो ज़्यादा खानी चाहिए। आंतों का शैथिल्य किससे नष्ट हो जाएगा, तो शंख और नागभस्म से कम होता है, तो पेट में देना चाहिए। और विपरीत आसन करना चाहिए, कॉइन टेस जो करते हैं उसमें पाँव की टांगे जो है ना वो पकड़ते हुए उनको दर्द होता है, तो उल्टा आसन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए, वक्रासन करना चाहिए, तो उससे वो आराम होना शुरू हो जाता है। और लीला विलास रस और शतपत्रादि चूर्ण उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है। श्री बिल्व तेल जो है वो शरीर को लगाना चाहिए। और ऐसे लोग जो पड़े हुए लेटे हुए रहते हैं नींद में, तो उनके मुंह में थोड़ा सा लेमन जूस डालना चाहिए, तो वेगस स्टिमुलेशन हो जाता है और उनकी तकलीफें कम हो जाती है। ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन उसके लिए एक अलग तरीका रहता है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। श्री बिल्व तेल तेल ऐसा है जो शरीर को लगाने से अंदर का अम्लपित्त कम हो जाता है, तो भैष्य रत्नाली में जो अम्लपित्त अध्याय में दिया हुआ तेल है ये, वो आप पढ़ के देख लेना और वो लगाते जाना। पित्तावृतवाट की ट्रीटमेंट करनी है, यानी तिक्त क्षीर बस के लगवाने हैं, तो भी ये लक्षण कम आ जाता है। तो ट्रीटमेंट तो बहुत सारी रहती है, लेकिन फिर भी लोगों को मन में ऐसा रहता है कि मुझे एसिडिटी होती है, और बहुत सारे लोग एंटासिड्स खाते रहते हैं। अभी जो लीवर के कैंसर के पेशेंट है और स्टमक के कैंसर के पेशेंट है ना, उसमें एंटासिड खाने का एक हेतु मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को एंटासिड खाते रहते हैं और उनको लीवर या गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी हो जाती है। फ्लैजिल मेट्रोजिल तो पहले से ही कार्सिनोजेन टू लीवर है, और ये चीज़ उसमें और उसकी भर पड़ गई है। वो नेक्रोसिस अंदर का कम करना ये हमारा मकसद नहीं है अभी, उसको जो पांडु उत्पन्न होगा उसकी वजह से अम्लपित्तजन्य पांडु है वो पहले करेक्ट करना है। पांडु उसका अच्छा हो गया, रस धातु अच्छा होना शुरू हो गया,
तो रस धातु का यापन कर्म अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वो एक बार हो गया तो उदर शुल्क की तरफ हम ध्यान देंगे। उदर शुल्क कम हो गया और पांडु कम हो गया तो वो अपने आप नेक्रोसिस जो है अंदर का कम होना शुरू हो जाएगा। उसका सीरम अमाइलेज वगैरह का ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट हो सकती है। उसमें बाकी जो चीज़ें ड्रग्स वगैरह उन्होंने जो ले ली ये है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है, सिर्फ दारू उसका कारण नहीं है, बाकी नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, और वो सब कंज्यूम करता रहता है, उसकी वजह से उम्र इतनी कम है। जोरात बोल, जवळ घेऊन बोल, लोकांना ऐकू जात नाही इकडे। गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, पित्त जो है वो एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, वो अंत में आता जाएगा, तो उसकी जो ट्यूब है वो पैनक्रियास की ट्यूब से मिलती है, और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो पैनक्रियास का काम जो है ना उसके ऊपर अमाइलेज के ऊपर तो उसका असर आता ही है। बार बार पित्त शरीर में जाने की वजह से एजिंग फास्ट हो जाता है, आदमी ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाता है, हड्डियाँ ख़राब हो जाती है, आँखों के ऊपर असर आ जाता है और पेट की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो तम्बाकू जो है ना, तम्बाकू का पानी उसको नलीफाई कर देता है, तो तम्बाकू बाकी सब जगह विष है, खाने की चीज़ नहीं है, प्राणी उसको खाते भी नहीं है। तम्बाकू के खेतों को फेंसिंग नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ आदमी ही खाता है, बाकी कोई खाता ही नहीं। वो ये भेड़ी वगैरह कभी उसको मुंह भी नहीं लगाते है ना, तो उसका जो पानी है वो अगर पेट में दिया जाए तो यकृत से निकलने वाला पित्त जो है ना वो नलीफाई हो जाता है और तकलीफ कम हो जाती है। इसलिए एज अ मेडिकेशन आप तम्बाकू का पानी जो है वो सॉलो करने के लिए दे सकते हैं कभी कभी, बाकी उसकी ट्रीटमेंट जो है वो पित्त की ट्रीटमेंट और पित्तावृतवाद की ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा हो जाएगा। एज़ फार एज़ पॉसिबल गॉल ब्लैडर निकालना नहीं है, लेकिन वहाँ कैंसर हो गया है, ब्लॉक हो गया है, स्टेन डाला हुआ है, ऐसी अगर तकलीफें रहे तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट करने से गॉल ब्लैडर स्टोन रहे तो कोई वांदा नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन और रीनल स्टोन हैंड इन हैंड आते हैं बहुत सारी बार। तो पित्त जाश्मरी जो मूत्र की है उसकी दवाएँ गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए भी फायदा करती रहती है। वेदना कम होने के लिए आप कनकासव इस्तेमाल कर सकते हैं, पित्तावृतवाद के बस्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, अग्निकर्म कर सकते हैं, जलौका लगा सकते हैं, विद्ध कर्म कर सकते हैं, और उदर शूल गुल्म इन बीमारियों की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जोरात बोल धातकी पुष्प का जपा पुष्प हाँ बराबर है, वो ग्रंथ का कल्प नहीं है लेकिन पुराने वैद्य वो इस्तेमाल करते थे। ये देखो अभी छाछ जो है वो गृहिणी के ऊपर काम करने वाला है, धातकी जो है वो कषाय रसात्मक है, तो कषाय रसात्मक द्रव्य जो है पित्त को शमन करने वाले, कड़वा रस, कषाय रस और मधुर रस, इसलिए वो धातकी हमने इस्तेमाल किया था। बहुत सारे हमारे कल्प जो रस रहते उसमें धातकी पुष्प से हम संधान करते हैं और दारू बनाते, दवाओं की दारू तैयार हो जाती है, तो लीवर स्टिमुलेंट है वो, इसलिए दे दिए। तो धातकी कषाय रसात्मक है, छाछ भी वैसा ही है, तक्रम लघु कषाय अम्लम दीपनम कफवात जीता ऐसा बोला है, लीह गुल्म घृत व्यापद गर पांडवा मयांजे, छाछ इस्तेमाल करने का कारण क्या है, तो घृत व्यापद नष्ट करता है घी, घृत की यानी क्या है, घृत स्टैंड फॉर घृत तैल वसा मज्जा, तो घृत तैल वसा मज्जा लेने से जो जो कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर में आ जाएगी उसमें हाइपर लिपिडीमिया वगैरह सब आ जाते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना वगैरह, उसके लिए छाछ फायदा करता है। अगर ऐसा है तो उसके साथ धातकी पुष्प जब देते हैं ना तो जो छोटी छोटी पथरियाँ रहती है और जिसमें जलन ज़्यादा रहती है, पेट में दर्द रहता है, वो उससे आराम हो जाता है, इसलिए वो हम इस्तेमाल करते हैं। जपा के फूल चार हर रोज खाने से पथरी गल जाती है, धात्री पत्र जो रहता है अमलिका पत्ता वो पेट में ज़्यादा खाने से पथरी गल जाती है, तो ये जो रहता है जहर मरा पिष्टी है या हजरल यहूद का भस्म है उससे भी पथरी गल जाती है, अलग अलग दवाएं रहती है उसके लिए, तो उसमें से एक दवा हमने बताई।
सर एक पेशेंट है 33 है सर, कोविड नहीं हुआ है, कोविड की वैक्सीन ली है सर, एक वैक्सीन यूएसए की है सर फाइजर, और एक सेकंड वैक्सीन है वो कोविशील्ड ली है सर इंडिया से, और 6 महीने सिप पर रहता है सर, उसके अंदर उसको जो केमिकल ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर सर सल्फ्यूरिक एसिड एसीटोन एनएएच मेनली ट्रांसपोर्ट होता है सर, और 10 की हिस्ट्री में कुत्ता और सांप की हिस्ट्री है, बाकी मल मूत्र सब नॉर्मल है सर। पेशेंट की कंप्लेन है कि सिर्फ बीपी राइज रहता है, उसके कारण सिर सूट होता है सर, और बहुत बार स्किन पे कंडो इचिंग वगैरह होती है, बाद में वहाँ स्किन रेडिश हो जाती है सर। अनोन लियोस्ट्राजिन ले या फिर स्ट्रॉइड ले तो 24 आवर के लिए स्ट्रेस हो जाता है सर, लेकिन फिर से वो वापिस हो जाता है सर। ऐसी कंप्लेन उसकी संप्राप्ति और चिकित्सा कैसे सोच सकते हैं? नहीं, अभी देखो शिप के ऊपर रहने वाले ये लोग रहते हैं, उसमें समुद्र की हवा जो रहती है वो दमट हवा जिसको बोलते हैं, वो उसमें बाष्प ज़्यादा रहते हैं और खारा पानी रहता है, वो ये हवा चली जाती है, तो एक्सेसिव लवण रस पेट में जाना, शरीर में जाना, फेफड़ों में जाना, ये उसका कारण है। खाने में इन लोगों को बहुत सारी बार बासी खाना ही होता है, मछली ज़्यादा खानी होती है, तो फॉस्फोरस वगैरह उनके शरीर में ज़्यादा चला जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना और लीवर खराब हो जाना या रक्त का उत्कलेश हो जाना, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। तो खाने का तरीका और ये जो देश और इसका देशाटन जो होता है ना, उसमें ऐसी चीज़ें जो रक्त पित्त प्रकोपक है, तो वो हेतु पहले दुरुस्त होना चाहिए यार। हर बार इस कुर्सी में बैठ गए तो अच्छा ही हो जाएगा पेशेंट, ऐसी बात नहीं, उसको बोलना चाहिए कि ये तुम्हारा जो चल रहा है वो तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं, और उसके लिए वो अगर ये लेता है एंटी एलर्जी कोई लेता है तो बार बार वो दबाने से क्या हो जाएगा, गुर्दों के ऊपर उसका असर आ जाता है। जिनके शरीर के ऊपर खुजली आती है, ऐसे लोग जिनको शीत पित्त उदर दर कोट हो जाता है, स्पेशली उदर दर, वो दबाने वाली जो जो आधुनिक शास्त्र की दवा है ना, उसका आगे जाकर फेफड़ों के ऊपर या गुर्दों के ऊपर असर आ जाता है, तो पहले वो कम होना चाहिए। या वो क्या कर सकता है कि हर एक महीने में उल्टी की दवा लघु अमन, 15 दिन में एक बार विरेचन की दवा, ये करके रक्त पित्त की अगर दवा करता है ना तो वो मिनिमम मेडिकेशन में मेंटेन हो सकता है, लेकिन ये बार बार के लिए चीज़ नहीं है, उसको उसकी सर्विस का फिर से सोचना होगा, क्योंकि बीपी की दवा लेने से भी आगे जाकर उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, खून पतला करने वाली दवाएँ वगैरह जो रहेगी वो सब ये हो जाएगा, और इनका मन भी अलग हो जाता है इन लोगों का, 6-6 महीना उनको आदमी दिखते ही नहीं, ज़मीन दिखती नहीं, सिर्फ पानी ही पानी, तो उससे भी तकलीफें बढ़ जाती है। और समुद्र एक बार ये हो गया उसके ऊपर अगर ये आना शुरू हो गया, लहरें आना शुरू हो गया, तो बहुत दिक्कत की बात, चुपचाप बैठ जाते हैं अंदर, कुछ नहीं कर सकते वो लोग, बड़े बड़े जहाज़ों के ऊपर रहते हुए, है ना। फेनी चूर्ण ये काजू की साल है ना, काजू के पौधे की जो छाल है उसका चूर्ण जो है वो एंटी डायबिटिक दवाओं के साथ देना है, तो ब्राज़ील वगैरह इटली वगैरह में काजू जहाँ पहले तैयार होता था, लोग बोलते कि वहाँ से काजू इंडिया में आ गए हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा सब लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ ये पैदा होता गया है, इंडिया में नहीं रहेगा, रहेगा ही ना, पुराने ज़माने से पता है। तो उसकी जो छिलका है छाल है उसका चूर्ण शुगर कम करने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, पुराने ज़माने के लोग उस वक्त करते थे उनके देशों में भी और हमारे देशों में भी। तो काजू से क्या फेनी उत्पन्न होती है ना दारू, तो हमने उसका फेनी चूर्ण ऐसा नाम लिख दिया है, तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है, ये बगैर पिए अच्छा असर आ जाता है, इसलिए फेनी चूर्ण हमने उसका नाम दे दिया। ऐकूयत नाही, जवळ पकड, जोरात बोल, म्हणजे हे ना सगळ्यांना ऐकू देईल। हां, ये निदान ही गलत है आपका, ऐसा काय के लिए निदान किया है ना, वो आपको दिखाई देगा ऊपर से, नहीं दिखाई देगा तो लक्षण क्या थे, है ना, है ना, तो उसकी ट्रीटमेंट अगर कर दी जाए तो ये ट्रीटमेंट, इसी ट्रीटमेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, शूलम नास्ति बिना वातात, है ना, तो वात की ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, पकवाशे के हिसाब से करेंगे,
है ना। तो हमें वात को पहले ना निराम बनाना है, अग्नि को संदूषण करना है और बाद में बस्ती लगवानी है। वातस्य उपक्रम स्नेहा सुविधा संशोधन मृदु करना है। फिर भी उससे अगर वो दर्द मिटा नहीं तो दूषित रक्त की वजह से, तो दूषित रक्त अच्छा करने के लिए हम यकृत और प्लीहा अच्छा करेंगे, रक्त का प्रसादन करेंगे, द्वितीय अवस्थापक तगड़ा करेंगे, तो उसके लिए विरेचन फायदा लाएगा और रक्तमोक्षण फायदा करेगा। तो पेट के ऊपर जलों का लगाएंगे। औरत है तो औरतों के हर एक बीमारियों का अच्छा करने का मार्ग संन्याशय और गर्भाशय के ऊपर से ही जाता है, तो हमें उसके पीरियड्स के बारे में पूछना होगा, उसकी उम्र क्या है, 16 साल है ना, तो पीरियड कैसा है उसको, इरेगुलर है, तो उसमें वात का अधिक क्यों हो गया, इसकी वजह से इरेग्युलरिटी है। लेकिन 16 एट द एज ऑफ 16 पीरियड इरेग्युलर है तो रस धातु अच्छा होना चाहिए, उससे रज अच्छा हो जाएगा। तो पहले आमाशय का सोचना चाहिए हमें, ज्वर हो गया था, छर्दी हो गई थी, इंट्रिंसिक फैक्टर या B12 कम हो गया था, उसकी पहले ट्रीटमेंट करो तो रस धातु अच्छा हो जाएगा। उसके लिए शतावरी और शतारी कल्प सुबह शाम दे सकते हैं, शंखगुड़ी से तो खाना खाने के बाद दे सकते हैं, है ना। पीरियड में गांठे अगर गिरती है तो ग्रंथि रज की ट्रीटमेंट करनी है, कूणब गंध आता है तो कूणब गंधी रज की ट्रीटमेंट करनी है, एकदम हिमरेजिक सोचना नहीं। रस धातु से क्या हो जाएगा, रक्त तैयार हो जाएगा। आमाशय अच्छा हो गया, रस धातु अच्छा हो गया तो रज अच्छा हो जाएगा, अपने आप रक्त अच्छा होने वाला है। पीरियड के 4 दिन में बर्ताव कैसा करती है वो चेंज करना चाहिए, है ना। और ये सब होने के बाद आप हिमरेजिक इसका सोचो, तब तक नहीं है ना। तो आप कभी भी आपके पेशेंट का निदान आधुनिक शास्त्र के हिसाब से मत करें, पहले उसका निदान आयुर्वेदिक तरीके से ही करें, और सब होने के बाद आधुनिक शास्त्र का जो निदान है उसके बारे में सोचें। तो इतनी सारी चीज़ें आप नहीं तो कर नहीं पाएंगे। ये भी ऐसा ही है, देखो है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छिद्र रहे तो क्या करें, तो आपको दिखता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, तो वो पेशेंट क्या बोलेगा, कर्णनाद है, कर्णक्षेद है, कर्ण अनाह है, कुछ तो वो बताएगा, वहाँ का सिर भारी हो जाएगा, कुछ तो लक्षण आ जाएगा ना। तो उसका पहले सोचो आप, कान किसका है, वायु और आकाश का है, कर्णेंद्रिय की जो बीमारी है उसके पहले आपको अर्श का सोचना है, बड़े अंतों का सोचना है, तीसरे अवस्था पाक का सोचना है ना। तो कान में काढ़ी डाली है नहीं डाली है, डाली है तो वात रक्त की संप्राप्ति लगानी है, अपने आप छिद्र तैयार होता है तो प्रतिशय से हो जाएगा, या कर्णस्राव से हो जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट करें। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को छिद्र है ये आपका निदान हो ही नहीं सकता, करो मत, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो उस पेशेंट को क्या पहले लक्षण आ गया था, तो आघात ने काढ़ी वगैरह डाली होगी, तो कर्णकंडू लक्षण किसमें आ जाता है, कृमि की वजह से आ जाता है, बहिर्मुख स्रोतों को खुजली होना कृमियों का लक्षण है, तो आप कृमि की ट्रीटमेंट पहले करें। बाद में कर्ण रोग जो है ना वो अर्श और गुद मार्ग की संप्राप्ति उसमें रहती है तृतीय अवस्था पाक की, उसकी ट्रीटमेंट करें, और बाद में कान को पोटिस वगैरह करना बाकी की ट्रीटमेंट करें, तो आपका कर्णनाद जो है वो या कर्णक्षेद वगैरह कम हो जाएगा। दवाई तो इंदुवटी है, सार्वजवटी है, बिलवादी चूर्ण है, बिलवादी तेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो करने से फ़ायदा नहीं हो जाएगा। सब जो आपके पास पेशेंट आ गया और कर्णनाद होता है, आपने बिल्व तेल डाल दिया, तो आप MBA डॉक्टर जैसा बर्ताव कर रहे हैं, लक्षण दिखाया दवा दे दी, ये आयुर्वेद नहीं है। कान की बीमारी है तो कान की तरफ हम सबसे बाद में देख लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पक्वाशय देख लेंगे, तृतीय अवस्था पाक देख लेंगे, आर्ष के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उसके पूर्व रूप में कर्णनाद कर्णक्षेद आ गया है, और बाद में कान देखेंगे तो कान की पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो ये बुद्धि को आपका जो ये ना टर्निंग जो आपकी चलती रहती है विचारों की, वो इस हिसाब से आप मोल्ड करते जाए उसको, तो उसका फायदा हो जाएगा। नहीं तो आपको ये आदत जो गंदी लग गई है ना कि आधुनिक शास्त्र का निदान करना है और आयुर्वेदिक दवा देना है, हो ही नहीं सकता। शास्त्र आयुर्वेदिक है तो आपको आयुर्वेद के बारे में ही सोचना चाहिए। तो आपका निदान आयुर्वेदिक करो तो दवाएँ आयुर्वेदिक आ जाएगी, वो करने के बाद आधुनिक शास्त्र का सोचो, पहले नहीं। मेरे एक दोस्त है, 24 ईयर्स एज है,
उसके लेफ्ट और राइट जो पैर है वो छोटे बड़े हैं सर। जन्म से या बाद में हो गया? उसने जब 12 साल का था और फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया थी ये बात, एक फोटो निकाली थी उसमें पैंट के फिटिंग की वजह से। पैंट की फिटिंग की वजह से हिस्ट्री में सिर्फ उसको 2017 में डेंगू हुआ था और थोड़ा बहुत सीटपीट की शिकायत है 2 साल से, तो उसका सर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अभी ये स्टांस जो है ना उसका चलने का तरीका, स्कोलियोसिस या वर्टिकल कॉलम जो है उसमें हेमी वर्टिब्रा रहे, बटरफ्लाई वर्टिब्रा रहे, या नाचने का तरीका रहे तो सॉस मेजर मजर मसल होते ना उससे कमर लचकती है हमारी, तो अगर गणपति में वगैरह ज़्यादा ना डांस करता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ बराबर है, तो इसमें ये मस्क्यूलर खिंचाव जो है ना वो भी हो सकता है। स्कोलियोसिस का फॉर्मूला हमने डेवलप कर दिया उसके लिए, वो हड्डी भी टेढ़ी रहे तो नॉर्मल हो जाते हैं उससे, तो ये तो मसल की प्रॉब्लम है, ये कम होना तय है। फिर भी पेट को तांबा लगाना चाहिए, नाभि के ऊपर छोटी कटोरी रखनी है, उसमें ये चावल डालने हैं, कैंपर रखना है उसके ऊपर और उसको ये आग लगानी है, बाद में उसके ऊपर वो ये रख सकते हैं, तांबा रख सकते, पात्र रख सकते। तो वैक्यूम से क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर और न्यूमेटिक प्रेशर पेट का नॉर्मल आ जाता है, तो स्टांस उसका अच्छा हो सकता है। फिर भी तेल लगाकर सेकना चाहिए, लेप लगाने चाहिए, तो मस्कुलर जो प्रॉब्लम डायमेंशनली ख़राब हो गया है वो दुरुस्त हो सकता है। चप्पल जो है कम ज़्यादा जाड़े हील के जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कपड़ों की वजह से नहीं हो सकता है इतना। आप इसका फर्क है सर दोनों का? हो सकता है लेकिन ये दुरुस्त भी कर सकते, उम्र ज़्यादा अगर नहीं रहे तो। जैसे शुक्र जो अपना फेस है, चेहरा है, वो शुक्र का ऑर्गन है, तो सर उस पर कुछ भी रक्त विवरण या कुछ भी दो विवरण आ जाता है उसमें, उसका मतलब ये सोचेंगे क्या कि शुक्र का दोष? उसके पहले स्किन का सोचो ना, है ना, शुक्र तो दिखता नहीं है ऐसा, पसीने जैसा वो निकलेगा तो नहीं, तो स्किन है हमारी, तो स्किन के यहाँ भ्राजक पित्त है उसका पहले सोचेंगे। तो त्वचा रसया पिश्लेष्म होत, त्वक्स अर्थात रस अर्थात बताइए, तो त्वचा किससे बन जाएगी? माउस धातु से बन जाएगी, तो माउस का सोच लो, रस का सोच लो, कफ का सोच लो, वात का सोच लो, भ्राजक पित्त का सोच लो, रोम रंध्र और स्वेदोष ऋतुस का सोच लो। तो उसमें तीक्ष्णता उष्णता बढ़ गई तो पित्त की ट्रीटमेंट पहले करो, कालापन है तो वात की ट्रीटमेंट करो, ये सब करने के बाद भी अगर फर्क नहीं आता तो शुक्र का सोच लो, है ना। अर्धा तास बोललो असं पाऊन तास, अजून एक 5 मिनिट बोल सर। जो शारदा परीक्षण आप बताते हैं तो उसमें जो आप बताते हैं जिसके दांत अच्छे हैं मतलब वो शुक्र का वो एसेंस है, जिसका शुक्र अच्छा है उसके दांत अच्छे हैं, जिसके दांत अच्छे हैं उसका शुक्र नहीं है, उल्टा हो रहा है तुम्हारा आज थोड़ा। हाँ तो शुक्र शारदा की परीक्षण में सर जिसकी आँखें अच्छी है वैसा भी बताएं कि उसकी आँखें वो है, सर आँखों को हम ज्यादातर मज्जा का ऑर्गन मान के उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, सर आँखों का शारदा परीक्षण में कैसे फिर विचार करें? पहली बात ऐसी कि वो तेज का ऑर्गन है, तो आंखें अच्छी रहना, तेजवान रहना, निस्तेज नहीं रहना, ये अग्नि का द्योतक रहता है, गृहिणी का द्योतक रहता है। गृहिणी अच्छी, मज्जा जरा कला अच्छी, इसलिए पित्त जरा कला अच्छी और इसलिए यकृत अच्छा। तो आंखें अगर अच्छी है तो यकृत की परिस्थिति, प्लीहा की परिस्थिति और गृहिणी उसके बारे में पता चल जाता है। आँखों में शुक्र का भी जो जिक्र किया है वो उसके हिसाब से किया है। आँखें जिनका नंबर वगैरह है, जिनको आँखें में टेढ़ापन है या गंदगी सुबह को ज़्यादा आती है, तो उनको शुक्र की और मज्जा की दोनों की दृष्टि मानकर ही ट्रीटमेंट करनी होती है, तो शुक्र के बारे में उससे पता चल जाएगा। लेकिन शुक्र का ज़्यादा पता दांतों से पता चल जाता है जो हमने पहले बताया। कफ जो धातु है, कफ जो दोष है उसके धातु कौन कौन से है? तो उसमें रस धातु है, मेद है, मज्जा है और शुक्र है। तो कफ की पूरी जानकारी हमें आँखों से मिल जाती है। अभी बात रही ऊपर वाले हिस्से में चीज़ें है ये, और इसमें रक्त धातु रहता है और दुष्य जो रहता है, दुष्य रक्त रहता है
और दूसरा रहता है वो कफ रहता है। तो कफ और पित्त, कफ पित्तात्मक जो जो संप्राप्ति है वो आँखों से हमें पता चल जाएगी। तो कफ पित्त ज्वर के लक्षण निकालो और वो हर एक का संबंध जो है वो आँखों से आ जाएगा। इस हिसाब से आप सारता परीक्षा से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। है ना? आज एक बोन रिलेटेड केस है सर, इसके साथ श्वेत पर्पटी एंड क्राइशोल गुगल केस बोल रहे हैं। तो श्वेत पर्पटी का बोन का रोल, श्वेत पर्पटी जो दे दिए वो सूजन कम होने के लिए दे दिए। उसमें पोटेशियम नाइट्रेट कर्पूर गंधी शिलाजीत है वो डायूरेटिक है, तो जो वाटर रिटेंशन है घुटनों के ऊपर वो उससे कम हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, इसलिए दे दिए। और उसके साथ हमने लाक्षाजी गुगुल क्यों दे दिए, पहले ट्रॉमा था इसलिए गुगुल के साथ, गोक्षराज गुगुल या लाक्षाजी गुगुल के साथ वो दे दिए। तो उससे यूरिन ज़्यादा हो जाएगी और सूजन कम आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, कफ का क्षय है, कफ तैयार होके नेचर में पड़ रहा है, इसमें बारिश आ गई है अभी, तो वात के लक्षण भी उससे बढ़ गए, इसलिए हमने गुगुल इस्तेमाल किया और गोक्षराज दे दिया। क्योंकि बादल आ गए और ठंडक भी है तो मूत्र प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी और वो हमें चाहिए अभी, तो ही सूजन कम आ जाएगी, इसलिए दे दिए। सीए कोलन का इलियम से लेकर एक्सटर्नल जो एनल ओपनिंग है तब वहाँ तक का कैंसर उसमें कवर हो जाता है। छोटे अंतों के ऊपर उसकी ज़्यादा एक्शन नहीं है। फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज कपित्थ मेडिसिन, कवठाच औषध, वो इलियम से लेकर ऊपर मुंह तक उसका असर आ जाता है। बड़े अंतों में क्या होता है, डाइजेशन इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन इलियम, तो उसके बाद सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन रहता है, वो बड़े अंतों में होता है एज फार एज मॉडर्न साइंस इज कंसर्न। आयुर्वेद के हिसाब से वायु और आकाश महाभूत वहाँ सेपरेट होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से वो मायने रखता है। पांडु, पहले अभी देखो रक्त का विकार पकड़ सकते हैं पांडु को और रस का भी पकड़ सकते हैं। चरक के हिसाब से अगर संप्राप्ति देखी जाए तो रस धातु का विकार है और सुश्रुत जी के हिसाब से पित्त का और रक्त का विकार है। लेकिन ब्लड केमिस्ट्री कुछ भी खराब हो गई तो उसमें रक्त का ही आपको सोचना होगा, रस धातु और रक्त का ही सोचना होगा। तो रस की बीमारी जो है उसमें आपको पांडु आप ले सकते हैं और ज्वर ले सकते हैं, और रक्त पित्त उसके बाद तैयार होने वाली संप्राप्ति है। पहले क्या है, रक्त ज्वर है, उसके बाद रक्त पित्त है, बाद में कास वगैरह बीमारियाँ है, तो हमें इस हिसाब से ही जाना होगा, रस रक्त और बाद में मांस, तो उस हिसाब से हम जाएंगे। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो बोल रहे हैं फैक्टर 9 एब्सेंट रहता है, वो तो लोग अलग ही रहते हैं, कंसर्न मैरिज रहे तो उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है, ये तो एक्वायर्ड है, तो सुवर्ण गैरिक से ही वो ज़्यादा अच्छी तरह से केस सॉल्व होने वाली है। आगे जाकर हम रक्त पित्त की ट्रीटमेंट भी करने वाले हैं विथ रेफरेंस टू आगत तंत्र, क्योंकि आगत तंत्र विष कौन सा भी शरीर में आपके चला गया, चाहे वो वीनम ने कोबरा ने काट दिया, तो हीमोलाइटिक जो तरीका रहता है उसमें तो खून जो है वो एक में जम जाता है और दूसरे में फूट जाता है शरीर से और रक्त पित्त जैसा बाहर पड़ जाता है वो विष, तो विष का बहुत ज़्यादा सोचना होता है ऐसे बीमारियों में। और डॉक्टर लोगों ने इतना घबरा के छोड़ दिया उसको कि अभी दो ही दवा बच गई है, उसमें अगर नहीं होगा तो तुम मर जाओगी वगैरह ऐसा बता दिया उसको, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। रस धातु अच्छा करो, रक्त के मूल स्थान अच्छे करो, रक्त का प्रसादन करो और यापन करते जाओ, है ना, तो एक महीने में पता चल जाएगा। तो
चलो आखिरी सवाल सर, जो एयरबर्ड्स लॉन्ग बाइक की वाला डिजाइन में जाते तो परसेप्शन क्या है, कौन सी गाड़ी कौन सी बाइक मोटरसाइकिल की कार मध्ये एवढं नाही जाणत पण एयरबर्ड्स जर लावलेले असतील जे याला ब्लॉक करतात एअर प्रेशरला तर परसेप्शन ऑफ ड्रायव्हिंग येणार ते असं ऑब्झर्व केलेलं आहे आणि नसेल तर मग तुम्ही त्या हायस्पीडला चालू शकता असं ऑब्झर्व केलं लॉंग टर्म जे लोक हेडफोन लावतात ज्यात नॉईज कॅन्सलेशन आहे वगैरे तर त्याचा मस्तिष्कावर आणि म्हणजे लॉंग टर्म मध्ये काय होत आहे ना परिणाम होत आहे. मेरे एक पेशंट थे और वो रोड के जो काम रहते हैं ना पूल वगैरह का करते थे तो एक आँख बंद करके ही ऐसे देखते थे वो, तो एक आँख से देखने देखने के बाद उनमें कुछ पेट की बीमारी आना पहले शुरू हो गया. तो मैंने पूछ लिया कि ये काम छोड़ दो आप, तो बोले नहीं मेरा काम ही ऐसा है. तो अगर कोई आदमी 40 बरस एक आँख मार कर ही काम कर रहा है तो उससे क्या होने वाला है, अतियोग हो गया ना उसका वो, तो बाद में उसको डबल इमेजिंग शुरू हो गया. और डबल इमेजिंग जब शुरू हो गया तो मैंने पूछ लिया कि आँखों में अगर कोई बीमारी नहीं है ना तो ये डबल इमेजिंग आपका आपसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जिसको बोलते हैं वैसा नहीं है, आपका अलग है कुछ, तो आप ब्रेन MRI कर लो. तो उसमें उसको ब्रेन ट्यूमर निकला और वो नाइबेरिया में या कहीं तो रहता था वहाँ वो चले गए, बाद में आने का अवधि नहीं मिल गया और वो मर गए. तो आँख एक बंद कर से बार बार वैसा देखने से उसको बाद में आरिशत लक्षण आ गया क्योंकि मज्जा खराब हो गई, ग्रहणी खराब हो गई और ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई. उसको सपोर्टिव खाना वाला उसका पीना वाला सब था तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन उसको ये लक्षण आ गया था. अभी वो ही कोई दूसरा आदमी कान में बड्स वगैरह डालता है या बार बार वो हेडफोन लगा कर ये करते ना तो ये टॉवर जो रहते कान में डालने जैसा वो असर आ जाता है. हमारे हर एक इंद्रिय में दूसरा इंद्रिय जो रहता है उसका हिस्सा रहता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को कान से मैं सुनाई देता है ये बराबर है लेकिन कान से मुझे दिखता है, आँखों से मैं सूंघ रहा है, जबान से मैं देख रहा है वगैरह ऐसा लोगों को लगता है. ये हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं तो जो ड्रग लेने वाले लोग रहते हैं ना हेराइन ड्राइन शुगर वगैरह उनको ये हो जाता है. और ये गलत भी नहीं है क्योंकि उस इंद्रिय में दूसरों के फाइबर रहते हैं, भूतांतर प्रवेश भ्रूण जो बताए ना वो उसमें आ जाए इंद्रियों में. तो उसके ऊपर आप आगे कान जो है ना वो दिशा का द्योतक बताया है, जो पुरुषोम लोक संहिता सिद्धांत जो बताया ना उसके हिसाब से बाहर की जो दिशा है वो शरीर में क्या है कान है ऐसा बताए. और आपको बताया वेस्टिबुल का पानी और जो रहता है उससे आपको दिशा समझती है. तो वो अगर ब्लॉक आप करते तो आँखों ने वो कॉम्पेंसेट नहीं किया, नाक ने नहीं किया, मुँह ने नहीं किया तो आप सफर होगे, इस वजह से वो ये नहीं करते. हम यहाँ बैठे और पीछे कोई चीज़ें ऐसा हम बराबर ले लेते ना तो उसमें कान का ये रहता है और वो ही ब्रेन में जो पाथवे जो रहते हैं उसके हिसाब से अरेंज किए हुए रहते हैं तो वो आप हैम्पर करते तो होगा ही होगा. उसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताता है कैसा ये हो सकता है. आप साइकिल के ऊपर बैठे ऐसा पकड़ा हैंड, आप राइट हैंड जो है लेफ्ट को लगाओ और लेफ्ट ऐसा लगा के पकड़ो, गिर ही जाते हैं आप इमीडिएट. यानी छोटे ब्रेन का इक्विलिब्रियम का काम सत्यानाश हो जाता है हाथ ये कर्मेंद्रिय उसकी वजह से, सिर्फ ऐसा कर दिया तो है ना. या ये आईना है ऐसा पकड़ना है, घर में चलना है सब जगह उसमें देख के तो छत सब उसमें दिखता है तो आपको लगता है मैं गिर जाऊँ, पाँव ऐसा वैसा हो जाता है ऐसा. तो उसका मतलब ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय जो है ना उसका जो तरीका जैसा है वैसा नहीं होना, इसलिए इंद्रायणाम के वैमल्यम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आयुर्वेद में. और चक्षु ऐसा जब बोलते हैं चक्षु आदि इंद्रिय, तो चक्षु अच्छा हो गया तो बाकी के इंद्रिय अच्छे हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं. तो इंद्रियों का जब हम परीक्षण करते ना तो उसमें ये सब चीज़ें मायने रखती है. कान का काम क्या है, सुनना है. तो कान में डाली हुई चीज़ें वो सुनाई नहीं दे रही है, दूसरे आवाज़ को वो बर्बाद कर रही है.
तो तकलीफ तो होती जाएगी आपको, वो निकालने के बाद भी वही असर आना शुरू हो जाएगा। एक और जो प्रत्यक्ष चक्षु प्रत्यक्ष जो है वो आपका मार खा जाएगा ना, है ना, तो वो आकाश शब्द तन्मात्रा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट तन्मात्रा है। सब जगत नष्ट हो सकता है लेकिन आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। परमेश्वर का जो मूर्ति रहती है वो खत्म हो जाएगी, उसका स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा लेकिन शब्द वैसा ही रहेगा। कोई भी नया आदमी है समझो, तो पहले आपको वो दिखता है और बाद में उसके शब्द आप सुनाए आपको सुनाई देते हैं, है ना। और सिर्फ आवाज़ आपको आपके कान के ऊपर आ गई, स्वरूप के बारे में आपको पता भी नहीं है लेकिन आवाज़ सिर्फ आ गई, ओरिजिनल आवाज़ ही है, स्वरूप वो बदल के आ सकता है, आवाज़ नहीं बदल सकता, है ना। तो शब्द तन्मात्रा और नाद ब्रह्म बताया है तो उसको ही आप ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपका पृथ्वी महादुर का गंध जो गुण है वहाँ तक आप सफर होने वाले, है ना। तो कभी भी कान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। लोग बोलते ना यहाँ मारना नहीं, छोटा मेंदू रहता है वगैरह, वैसा कान का है, कान को आपको अक्सर संभालना चाहिए। कान अच्छे रह गए तो सब होगा। आप सीधी सी बात देखो, कान में तेल डालने से भूख बढ़ जाती है ना, पाँव को टांगों को तेल लगाने से भूख बढ़ जाती है ना। मल द्वार जो है वो अच्छा कर दिया तो सब शरीर अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसका संबंध जो है वो श्रोत्रेंद्रिय से है, आर्ष का मैंने अभी जो बताया ना उस हिसाब से। तो आपको ये सोचना ही चाहिए कि कान के बारे में, कान में डालने की जो चीज़ें है वायु और आकाश के ऊपर काम करती है, और इसकी उत्पत्ति जो है पंचमहाभूतों की, तो आकाश से वायु तैयार हो जाएगा, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी, ऐसा ही है। तो आप पहला उसका उपादान कारण ही अगर नष्ट कर रहे हैं तो आपको सफर होना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मदद्यावे पसाय दाने देखांकी व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रचिवाड़ो।